आइए अब हम अवकलन के कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा करते हैं तथा उदाहरण के आधार पर उन्हें स्पष्ट करते हैं। अवकलन का हमने तात्पर्य इसके पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं कि जब किसी एक चर में अल्प परिवर्तन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप अन्य चर में जो परिवर्तन होता है उसके औसत सापेक्षिक दर को अवकलज कहा जाता है। इसका प्रथम सिद्धांत यह कहलाता है कि मान लीजिए कोई फलन y बराबर x की पावर n है, कोई फलन है जिसमें आपका y इज इक्वल टू x की पावर n है। अगर हम इस फलन का अवकलन करें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हम देखते हैं क्या कि हमें लिखना होगा d अपॉन dx और y के y को ब्रैकेट में कर लेते हैं इज इक्वल टू d अपॉन dx और यहां पर इस चर को ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं इज इक्वल टू जब d अपॉन dx हटाते हैं तो इसका सिद्धांत यह कहलाता है कि जो हमारे पास चर राशि है यानी अज्ञात राशि है उसकी पावर n है तो पावर पहले आ जाएगी, n पावर पहले आ जाएगी और पावर से एक माइनस हो जाएगा, पावर से एक माइनस हो जाएगा। अतः इसे हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर ये, यानी फलन y इक्वल टू x की पावर n का अवकलन dy अपॉन dx इज इक्वल टू n x n माइनस वन होगा। आइए इसी सिद्धांत के आधार पर हम दो तीन उदाहरणों के माध्यम से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास y इक्वल टू x की पावर 3 दी हुई है, ये हमारे पास कोई फलन है, प्रश्न नंबर एक मान लीजिए ये कोई फलन है, इसमें अवकलन करना है यानी x के सापेक्ष अवकलन करिए तो आप लिखेंगे फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो दोनों तरफ d अपॉन dx से गुणा करते हैं d अपॉन dx ब्रैकेट में y, ये y को हमने dy इज इक्वल टू d अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर 3। अब हम इस d अपॉन dx को हटाते हैं तो जब d अपॉन dx हटेगा तो हम सिद्धांत प्रथम सिद्धांत के अनुसार x की पावर 3 है तो 3 पहले आ जाएगा, 3 पहले आएगा और x 3 माइनस 1 इस प्रकार लिखा जाएगा। अतः 3x स्क्वायर यानी dy अपॉन dx यानी इस फलन का अवकलन ये होगा और इसका उत्तर यही होगा। आइए कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं। यहां पर हम फलन देख रहे हैं y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 40। इस फलन का अवकलन करते हैं, इसे अवकलन करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं फलन को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करने पर अब अवकलन के लिए हम दो लिखेंगे dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx d अपॉन dx और ब्रैकेट में ये पूरा फलन लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 40। ठीक है, d अपॉन dx का मान लीजिए y के साथ और d अपॉन dx का इस पक्ष के साथ अवकलन। अब हम d अपॉन dx को इसके साथ मल्टीप्लाई, d अपॉन dx को इसके साथ यानी ब्रैकेट तोड़ते हैं एक प्रकार से, तो जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो d अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
देखिए d अपॉन डी एस का इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस d अपॉन डी एक्स का 40x इसके साथ हो गया मल्टीप्लाई, प्लस d अपॉन डी एक्स 40 हो गया, हो गया। अब हम देखते हैं इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, देखिए सब में ब्रैकेट लगा, इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो जो इसमें कांस्टेंट नंबर 2 है वो हरदम d अपॉन डी एक्स के पहले आ जाएगा। यहां पे कांस्टेंट नंबर 40 है तो ये d अपॉन डी एक्स के पहले आ जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए अज्ञात चर राशि x नहीं है इसलिए ये 40 इधर नहीं आएगा। जब अज्ञात चर राशि यानी x नहीं होता तो वहां पे कांस्टेंट नंबर d अपॉन डी एक्स के पहले नहीं आता, लेकिन यहां पर देखिए x है इसलिए 40 इधर आ जाएगा, यहां पर x स्क्वायर है इसलिए 2 पहले आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं 2 d अपॉन dx x स्क्वायर प्लस 40 d अपॉन dx x प्लस d अपॉन dx 40। देख रहे हैं हमने इन ब्रैकेट्स को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब हमारे पास मान लीजिए 2 पहले आ जाता है। अब हम देखते हैं क्या कि हमारे पास x स्क्वायर है, अब यहां पर अवकलन का प्रथम सिद्धांत लगाते हैं। तो जब प्रथम सिद्धांत क्या कहता है कि पावर पहले आ जाएगी और पावर से एक कम हो जाएगा, तो ये 2 तो ऑलरेडी है। अब d अपॉन डी एक्स यानी अवकलज करते हैं और इसका अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इसी पावर क्या है 2 पहले आ जाएगा और 2 में से एक माइनस हो जाएगा, हो गया प्लस। यहां पर 40 है तो 40 आप लिख लोगे प्लस, अब इसकी पावर कितनी है 1, जब किसी भी अज्ञात चर राशि में कोई पावर नहीं होती तो माना जाता है 1 पावर है, तो इनटू 1 एक्स 1 माइनस 1 और कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट नंबर, यहां पे अज्ञात चर राशि नहीं तो इसका अवकलज हरदम 0 होगा। अब 2 2 जा 4, x की पावर 2 माइनस 1 तो 1 लिखा नहीं जाता, प्लस 40 बन जा 40, x की पावर कितनी हो जाएगी 0 और इधर 0, तो जब किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 40, ये आंसर होगा यानी इस फलन का अवकलन ये होगा। ये हमने अवकलज के प्रथम सिद्धांत के अंतर्गत ये चीज सीखा। अब आइए एक उदाहरण के माध्यम से और अधिक स्पष्ट करते हैं। एक उदाहरण हम और ले लेते हैं ताकि अवकलन को स्पष्ट किया जा सके, अवकलन के प्रथम सिद्धांत को स्पष्ट कर सके। हमारे पास फलन y इक्वल टू 40x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 400 है। इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब हम उसी तरह d अपॉन dx का इधर और पूरे फलन के साथ अवकलन करते हैं। d अपॉन dx ब्रैकेट में y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 40x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर d अपॉन डी एक्स के साथ पूरे फलन को आप लिख लीजिए, लिख लिए। अब हम क्या करते हैं d अपॉन डी एक्स का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लीकेशन यानी ब्रैकेट तोड़ देते हैं। d अपॉन डी एक्स 40x क्यूब प्लस d अपॉन डी एक्स 20x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 40x प्लस d अपॉन डी एक्स 400। अब हम क्या करते हैं, हमने बताया कि अगर अज्ञात चर राशि के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है तो d अपॉन डी एक्स के पहले आ जाता है, तो यहां पर 40 पहले आ जाएगा, यहां पर 20 पहले आ जाएगा, यहां पर 40 पहले आ जाएगा, लेकिन यहां पे अज्ञात चर राशि ना होने के कारण 400 उधर ही रहेगा यानी d अपॉन dx के उस साइड दाहिने साइड रहेगा। चलिए d अपॉन dx
40 डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 20 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 40 डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस डी 400। अब हम डी अपॉन डी एक्स यानी अवकलज करने जा रहे हैं। प्रथम सिद्धांत के अनुसार पावर पहले आएगी और पावर से एक माइनस होगा, तो 40 इंटू थ्री एक्स थ्री माइनस वन प्लस 20 इंटू टू एक्स टू माइनस वन प्लस 40, इसकी पावर हम देख कितनी है, यहां पर एक है, तो 40 इंटू वन एक्स वन माइनस वन, और हमने क्या कहा, कांस्टेंट का कभी भी डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है। यहां पे पावर 3 थी तो 3 पहले लिए, 3 में से एक माइनस कर दिए, प्रथम सिद्धांत। यहां पे 2 था तो 2 पहले लिए, 2 से एक माइनस कर दिए। यहां पर 1 है तो 1 पहले लिए, 1 से एक माइनस कर दिए, तो 43 जा 120 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 40 एक्स प्लस 40, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगी, तो x की पावर 0 यानी x का मान 1 हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा और 0। तो इस प्रकार हमारे पास dy अपॉन dx ये अवकलन प्राप्त होता है इस फलन का, यानी हमारे पास फलन y बराबर 40 एक्स क्यूब प्लस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स प्लस 40 400 था, उसका जब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx, यानी इसका तात्पर्य है कि फलन को x के सापेक्ष अवकलन किया गया तो 120 एक्स स्क्वायर 120 एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स प्लस 40 नहीं सॉरी प्लस 40 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये अवकलन है इसका, इसलिए हम अब हम वास्तव में साधारण अवकलन दो उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कर दिए हैं। हम अगले वीडियो में अवकलज का गुणा एवं भाग पर चर्चा करें। धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखें।